नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे चैनल रॉयड क्राफ्ट में। यह है हमारा डे 21 ऑफ 100 डेज ऑफ क्विलिंग चैलेंज। और आज यहाँ पर कुछ 3 कलर की स्ट्रिप्स मैंने ली हैं, एक है येलो, एक है पिंक एंड वन इज ऑरेंज। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वेडिंग सीजन इज अप्रोचिंग, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि आप वेयर करके वेडिंग्स में जा सकें। तो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं स्पेशल ज्वेलरी फॉर हल्दी। और यहाँ पर आज हम बनाएंगे कुछ इयररिंग्स जो कि आप हल्दी सेरेमनी में पहन सकते हैं। अगर किसी की खुद की वेडिंग हो रही है तो वो भी हल्दी में ऐसी ज्वेलरी ट्राई कर सकते हैं। एंड इट्स अ पेपर ज्वेलरी, इको फ्रेंडली ज्वेलरी है, साथ ही साथ ये है बहुत ही लाइट वेट। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्ट्रिप्स ली हैं, तो मैं बता दूं कि मैंने 3 येलो स्ट्रिप्स ली हैं, उसके बाद मैंने 3 ऑरेंज स्ट्रिप्स ली हैं, एंड देन आई हैव टेकन 5 पिंक स्ट्रिप्स। तो इसी तरीके से आपको एक टाइट कॉइल बनाना है। आप अपने हाथ से बना सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्विलर की हेल्प से भी बना सकते हैं। और इस तरीके से मैंने आपको दोनों तरीके दिखा दिए हैं कि आप हाथ से भी बना सकते हैं, क्विलर के तरीके से भी बना सकते हैं, और ऐसा एक टाइट कॉइल आपके सामने रेडी हो जाएगा। तो आप देखो ये अभी से ही कितना ब्राइटन अप लग रहा है। और उसके बाद हमें लेना है येलो कलर, क्योंकि हम बना रहे हैं हल्दी के लिए ज्वेलरी, तो हमने इसमें यूज़ किया है ज़्यादा येलो का। तो यहाँ पर भी मैंने एक टाइट कॉइल फिर से बना दिया है, और ऐसे ही बहुत सारे टाइट कॉइल्स आपको बनाने हैं येलो शेड में ही, क्योंकि हल्दी की ज्वेलरी है तो येलो में ही मज़ा आएगा। उसके बाद इसको आपको टीयर ड्रॉप शेप में कन्वर्ट करना है, थोड़ा थोड़ा सा इसको प्रेस करना है वन साइड से, जिन लोगों को टीयर ड्रॉप शेप नहीं पता। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हर वीडियो आप देख सकें और कुछ नया सीख सकें। और उसके बाद कुछ इस तरीके से आपको ग्लू करना है। और ग्लू करने का ये इजी तरीका है कि आप पहले पूरे जो कॉइल है उसके साइड्स पे ग्लू लगा दीजिए, और उसके बाद जो हमारे टीयर ड्रॉप शेप्स हैं उनको कुछ इस तरीके से आप साइड्स में एडजस्ट कर दीजिए, और आप देखेंगे कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल से इयररिंग्स तैयार हैं। और अब इसको इयररिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये जो मेरे पास हुक्स हैं, ये स्टड्स हैं, ये आप इनके बैक साइड में लगा सकते हैं। मैं अभी इस पर कोटिंग करूँगी, इसलिए मैं अभी ये हुक्स नहीं लगा रही हूँ। कोटिंग के बाद मैं ये हुक्स इन पे अटैच करूँगी, और कुछ इस पोजीशन पे आप ये हुक्स यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ 100 डेज ऑफ क्विलिंग चैलेंज। अब हम मिलेंगे अपने कल के वीडियो में, और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर जाके हमारी बाकी वीडियोस देखें 100 डेज क्विलिंग चैलेंज की, उन्हें बहुत मज़ा आएगा देखकर। नई नई चीज़ें हमने हर वीडियो में आपके लिए लाने की कोशिश की है। अब मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।